एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। बैज ने कहा कि बीजेपी हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचा जिसके पास फोन ना गया हो। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी के ऑफिस से भी फोन आया कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट कर देंगे। कार्यकर्ताओं को लालच देकर, लालच देने का काम, पद देने का काम, सरकार में एडजस्ट करने का काम, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचाओ जो जिनके पास फोन नहीं गया है। सभी पीसीसी पदाधिकारी, सभी नेताओं पास फोन गया, बेशर्मी से फोन गया है। और ये सभी मंत्रियों के ऑफिस से, जहां तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से फोन गया है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए लालच देने के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि दीपक बैज अपने नेता और प्रभारी की चिंता करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस में डर का माहौल है। दीपक बैज जी अच्छे नेता हैं, उनको अपनी प्रभारी शैलजा जी की चिंता करनी चाहिए थी चुनाव में। चुनाव के बाद उनके ही पदाधिकारियों ने कांग्रेस के कहा कि शैलजा जी ने धन भी लिया और बल का उपयोग भी किया और खास लोगों को अपने यहाँ बुला कर रखते थे और एक वर्ग को तवज्जो दिया। तो अपने नेता की चिंता, अपने प्रभारी की चिंता करें। और जहाँ तक माननीय ओम माथुर जी का सवाल है, तो उनके नेतृत्व में भाजपा ने सत्ता छीनी है कांग्रेस से, और मेरा विचार है कि जो लोग कांग्रेस से यहाँ आते हैं वो कांग्रेस डूबता जहाज है, अपनी जान बचाने आ रहे हैं। पर हाँ, इस बात की गारंटी है, कांग्रेसी आएंगे तो भाजपा में राजनीतिक शुद्धता और राष्ट्रवाद तो आ जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।